और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। नेशनल हाईवे 165 पर स्थित जागन पुलिये पर खड़े एक टैंकर को पीछे से आ रही कार उसमें जा टकराई, जिसके कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं चालक घायल हो गया। सूचना पाकर जागन चोटी प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल को एम्बुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने बताया कि रेपडावास में ज्वेलरी का दुकान चलाने वाला रमेश कुमार सोनी सोजत निवासी जगदीश टाक को साथ लेकर कार से पाली जा रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर जागन पुलिये पर खड़े एक टैंकर से जा टकराई, जिसके कारण रमेश सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जगदीश घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल पहुँचाया गया। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।